नमस्कार, टैक्सलामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किसान मानधन योजना के बारे में। किसान मानधन योजना के अंतर्गत कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकता है और वो हर महीने 3,000 रुपए यानी कि साल के 36,000 रुपए सरकार से पेंशन के रूप में ले सकता है। तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में करने वाली हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या होता है, यानी कि इसकी पूरी डिटेल के बारे में बताऊंगी। और दूसरी वीडियो में मैं इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताऊंगी। और तीसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यानी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी कि आप किस तरह से इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, और अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान मानधन योजना के बारे में जान पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्सलामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसमें कि वो सरकार से 3,000 रुपए महीने यानी कि साल के 36,000 रुपए पेंशन के तौर पर ले सकता है। वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी किसान हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भी बेनिफिट्स ले रहे हैं तब भी आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी को इसके ऑफिशियल वेबसाइट manadhan.in पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली इस साइट पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप सभी को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का है। दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तीसरा ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। तो अभी हम प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके डिटेल्स देखने के लिए इसे सेलेक्ट करके हमें यहाँ नीचे डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स में आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं इस योजना का, यहाँ पर फीचर्स देख सकते हैं, यहाँ पर इस योजना का बेनिफिट्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मंथली अपने हिसाब से कितना कंट्रीब्यूशन करना होगा, और यहाँ पे आप इसके गाइड्स देख सकते हैं कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में मैं बता दूं, यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और उनकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में है। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत आपको जो मिनिमम पेंशन अमाउंट मिलना है वो 3,000 रुपये पर मंथ का है। ये जो पेंशन है ये 60 वर्ष एज पूरी होने के बाद आप सभी को मिलने स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कि जब तक आप जीवित रहेंगे आपको लाइफ टाइम ये पेंशन मिलती रहेगी, और आपकी मृत्यु के बाद आपके जो स्पाउस होंगे उन्हें इस पेंशन अमाउंट का 50% अमाउंट पेंशन के रूप में दिया जाएगा उनके लाइफ टाइम तक। उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर जो लोग इस पेंशन का लाभ नहीं ले सकते उनके बारे में बताया गया है, जैसे कि अगर कोई टैक्स पेयर है, कोई भी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या कोई भी इस तरह के ऑफिसर्स वगैरह हैं या फिर ऑफिशियल बॉडी है, वो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप जो भी बेनिफिट ले रहे हैं उसका जो अकाउंट डिटेल है वो भी होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल के बारे में मैंने आपको बताया।
अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकेंड पार्ट में मैं आपको प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के फीचर्स, बेनिफिट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।